वाराणसी हम जल स्थल है, बनारस जो है जिसे हम काशी जी कहते हैं वहाँ गंगा जी भी है और शंकर जी का अभी मुक्त क्षेत्र है, तो वहाँ धरती और जल दोनों मुक्ति देने वाला है। कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति, एक तो स्थानु भगवान है यहाँ जो तारक मंत्र देते हैं, और एक सरस्वती है गंगा के रूप में यहाँ, और आसमान में तो गीता और 60,000 सारस्वत मुनियों के वेदा अध्ययन और जो भी अन्य अन्य यहाँ श्लोक पढ़े गए होंगे वो क्षितिज पर मौजूद रहते हैं। तो यहाँ का वातावरण वायुमंडल भी शुद्ध गिना गया, यहाँ त्रिधा मुक्ति बताई गई। तो भगवान शंकर स्थानु भगवान यहाँ सबको मुक्त कर देते हैं, एक बार जो यहाँ आ जाता है दर्शन कर लेता है संध्य मुक्ति का पात्र हो जाता है, अगर वह आगे जीवन में कोई ऐसा वैसा काम न करे तो वह मुक्त हो जाता है। सारे दुनिया के तीर्थ दोपहर में 1 घंटे अभिजीत काल में स्थानु सरोवर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ स्थानु सरोवर में दोपहर में स्नान करेगा उसको सारे गंगा जमुना सरस्वती और सारे समुद्र और अन्य तीर्थ सबका फल प्राप्त होता है। एकमात्र ऐसा स्थान ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर में कुरुक्षेत्र में हरियाणा में विराजमान है, तो इनके दर्शन अवश्य करें ऐसा महात्म्य बताया गया है। सोमनाथ पर 17 आक्रमण बताए गए हैं लेकिन स्थानेश्वर पर 24 आक्रमण हुए हैं, मुगलों के 22 आक्रमण यहाँ पर हुए हैं, 2 अन्य आक्रमण भी बताए गए हैं जो मुगलों के बाद हुए हैं। तो ये फिलहाल जो हम देख रहे हैं गर्भगृह, इतना स्पेस जो है इतना खुला क्षेत्र अन्य शिवालयों में देखने को नहीं मिलता है, और मंदिर की दीवारें लगभग 5.5 से 6 फुट चौड़ी हैं। ये मराठा सरदार सदाशिवराव बाहू पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले उन्होंने इनका जीर्णोद्धार कराया था, उसी समय का अभी दिख रहा है। कई बार इतिहास में या परीक्षाओं में यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानेश्वर का निर्माण किसने कराया, और उत्तर में लिख दिया जाता है सदाशिवराव बाहू ने। यह प्रश्न गलत रहता है कि स्थानों का स्थानेश्वर का निर्माण किसने किया। मराठा ने इसका जीर्णोद्धार कराया, मुगलों ने कभी तोड़ फोड़ दिया होगा तो उस समय इन्होंने नए सिरे से इसको बनाया है, लेकिन यह तो हर्षवर्धन काल में 1400 वर्ष पहले भी हर्षवर्धन काल में भी था। हर्षवर्धन के तो इष्ट देव भगवान स्थानु हैं, बाद में हर्ष ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये स्थानु भगवान सारी साहित्य को इतिहास को पुराण को वेद वैदिक परंपरा को अपने में समेटे हुए यहाँ विराजमान हैं, तो इनका दर्शन जीवन में अवश्य करें। तो जो भी इनका दर्शन एक बार कर लेता है अकाम वा सकाम वा प्रविष्ट है स्थानु मंदिरम विमुक्ति पापे घोरे प्राप्नोति परमं पदम, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है कोई कामना को लेकर आए या निष्काम भाव से। कैसे? जैसे अग्नि में हम जलाने की भावना से या सेकने की भावना से कैसे भी डालें या बिना भावना के हाथ डालेंगे तो जलेगा ही। यहाँ प्राणी कोई कामना करे या ना करे एक बार आ गया ना उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे सूखा काष्ठ अग्नि के संपर्क में आने से भस्म हो जाता है, तो सारे पाप स्थानों के संसर्ग में आने से भस्म हो जाते हैं। ऐसा स्थान है, ऐसे स्थान की सब लोग यात्रा अवश्य करें और भगवान स्थानु सबका कल्याण करें। स्थानों यम अचलो सनातन है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वह स्थानु भगवान की आराधना करें। ओम श्री स्थानवे नमः मंत्र का जाप करें, ओम स्थानवे नमः भी बोल सकते हैं। तो ऐसा यात्रा में भी स्थानों सर्वत्र सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाभारत में अर्जुन को कृष्ण ने कहा था तो अपना नाम कमा ले, ये तो सब लोग मरे पड़े हैं, तो अर्जुन क्या देखता है युद्ध क्षेत्र में, जब वो किसी की तरफ तीर का निशाना लगाता है टारगेट करके तो उस तक तीर पहुंचता नहीं, उससे पहले त्रिशूल उसका सिर काट देता है। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा ये क्या है, तो बोले भगवान स्थानो ही पहले इनका सफाया कर देते, तुमको पहले ही कहा था मैंने, तुम तो नाम कमा ले ये तो मरे पड़े। तो काल तो महाकाल शिव ही है, उन्हीं का काम है सब सृष्टि का अंत करना भी। तो ये भगवान स्थानु युद्ध क्षेत्र में भी सर्वत्र घूमते रहे और जो भी व्यथित विचलित हो जाता था वो इनके शरण में आता था। यह धर्त भी आया, अश्वत्थामा आए, अन्य भी आए बीच बीच में, तो इन्होंने अश्वत्थामा को दर्शन और तलवार भी भेंट की थी। फिर जब शेष सैनिक रह गए रात्रि में उनको प्रवेश करा दिया, ये लो तलवार, ये सब अंदर वाले जो है इनका समय समाप्त हो गया और ये काम तुम कर सकते हो करो। ऐसे भगवान स्थानु यहाँ विराजमान है कुरुक्षेत्र में, सब लोग दर्शन करें पूजन करें अपना जीवन सफल बनाएं।
शिव मंदिर की ओर से मैं स्वामी रोशनपुरी।